आप सबको नमस्कार। जो जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। क्रिमिनल केसेस में बहुत बारी कहा जाता है कि जो व्यक्ति अक्यूज्ड है उसको ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, सोचते हैं कि हम शब्दों के हेर फेर से सबको मैनेज कर लेंगे, गुमराह कर लेंगे या कन्विंस कर लेंगे। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप जब अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं तो आप हर परिस्थिति में सोचते हैं कि बस मैं शब्दों के इस्तेमाल से अपने आप को बचा लूंगा या बचा लूंगी। फैक्ट्स कुछ भी हो, तथ्य कुछ भी हो, लॉजिक कुछ भी हो, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कुछ भी हो। बड़ा सवाल, क्या महुआ मोइत्रा इस टेंडेंसी की शिकार हो गई है? क्योंकि उन्होंने जो राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू दिया, बहुत वायरल इंटरव्यू है और उनका संवैधानिक हक है ऐसा इंटरव्यू देके अपनी बात सामने रखने का। पर कई बारी जब आप कटघरे में होते हैं, आपके ऊपर आरोप होते हैं, तो आप उस इंटरव्यू में जो कहते हैं वो आपको बचा भी सकता है और वो आपको फंसा भी सकता है पब्लिक आय में, दुनिया की आय में। तो राजदीप सरदेसाई का जो इंटरव्यू हुआ और पार्लियामेंट्री जो कमेटी ने, एथिक्स ने उनको समन किया, दोनों को एक साथ देख लेते हैं और इसमें कई चीजें जो सामने आई हैं उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात आपको बता देता हूं, ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक, इस केस में नहीं, बहुत केसेस में एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप एक फ्रेंडली एंकर ढूंढें, आप एक उस तरह का एंकर ढूंढें जो आपके पक्ष की बात करे, उस तरह का माहौल बनाए, उस तरह का सवाल बनाए जो आपका डिफेंस बन जाए। और इसके लिए सिलेक्शन होती है कि जो आपकी बात को उस तरह रखे, इतनी सहानुभूति से रखे और इतनी इजी सवाल पूछे, मुश्किल सवाल ना पूछे और आपकी बात को आगे लेके जाए कि आप एक बहुत सोच के पब्लिक अपीयरेंस करें। इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड में भी बहुत बड़ी बड़ी पीआर फर्म्स भी होती हैं जो ये सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। खैर, महुआ मोइत्रा के केस में मुझे नहीं लगता कोई पीआर फर्म होगी, पर ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो वो स्ट्रैटेजी के तहत आप कर सकते हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में चीज है। तो पहले मैं पार्लियामेंट की बात कर लेता हूं, जो उन्होंने पार्लियामेंट से डिमांड किया है, और उसके बाद मैं आ जाता हूं इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई में। कई बातें वो ऐसी बोल गई हैं, आप उनके खुद शब्द सुनना, जिसके मेरे अनुसार उनके लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं कम होने घटने की बजाय। पहले तो ये कर देते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को कहा है कि आप हीरा नंदानी को समन कीजिए और मुझे हीरा नंदानी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने दीजिए, मैं हीरा नंदानी से सवाल पूछ पाऊं। मुझे चाहिए कि हीरा नंदानी जो जो बोल रहा है उसके अंदर मैं उनको कटघरे में खड़ा करके उनसे जो मुझे सवाल उचित लगते हैं वो मैं पूछ पाऊं। हीरा नंदानी एक इंटरव्यू दे चुके हैं नाविका कुमार को, टाइम्स नाउ में उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने मोटा मोटा ये कहा था कि मैंने जो जो बोलना था मैंने एफिडेविट में बोल दिया है, मेरा पक्ष एफिडेविट के साथ पूरी दुनिया के सामने आ गया है। मैंने एफिडेविट इसलिए दिया है क्योंकि ये पब्लिक लाइफ में चर्चा हो रही है, पब्लिक डिबेट हो रही है। वो भी बिलियनेयर है, यहाँ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, निशिकांत दुबे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एडवोकेट देहाद्री वो रिस्पॉन्सिबली एक कंप्लेंट करके आए हैं। तो हीरा नंदानी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं सारी बातें लिखित में दे चुका हूं, जो सवाल था कि मेरे को प्रेशराइज कर रही है सरकार या सवाल था कि ये मैंने एफिडेविट साइन नहीं किया, वो दोनों आंसर्ड है। क्यों? क्योंकि मैं एम्बेसी में गया, एम्बेसी से मैंने साइन करवाया, जो पूरा एक प्रोटेस्ट प्रोसेस होता है, जो भी इंडिया से बाहर रहता है वो जानता है कि नोटरी वहां पे तो होता नहीं, तो एम्बेसी जाके आप करते हैं, वो मैंने प्रोसेस प्रक्रिया पूरा फॉलो किया। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये है कि अब मेरे को दो चीजें महुआ मोइत्रा ने मांगी। पहला कि मेरे को लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स दो जो जो मैंने लिए हैं, वेरीफाइड लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, क्योंकि एलिगेशन है कि बहुत सारे सेल्विटर फेरागामो के जूते लिए हैं, स्कार्फ्स लिए हैं, पता नहीं बहुत लंबी एलिगेशंस हैं, आपको पता है मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। और दूसरा कि जो मेरे को समन्स आए हैं वो 31 अक्टूबर के लिए, वो ना करके 4 नवंबर के बाद कर दिया जाए, 4 नवंबर के बाद मुझे अब समन किया जाए। तो उस पे तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक साफ बात कर दी, आप ये खुद ही देख लीजिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बोला है। उन्होंने कहा है 2 नवंबर को आइए, नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड।
पार्लियामेंट्री कमेटी भैया बहुत सारे एमपीज ने बैठना है, पूरी कमेटी में बहुत सारे एमपीज ने बैठना है, स्थापित कमेटी है और इस समय पार्लियामेंट तो सेशन में भी नहीं है, उन सबको भी स्पेशली आना पड़ेगा दिल्ली में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के, और आप पे तो इंक्वायरी चल रही है। आप चाहते हैं वो सारे एमपीज अपनी रूटीन आपके तहत चलाएं और आप जैसे कहें वैसे वो प्रोसीड करें। तो उन्होंने 31 की बात तो मान ली पर कहा है 2 नवंबर अब आपको आना ही है। एक सवाल और कर देता हूं, बहुत लोग कह रहे हैं राजदीप सरदेसाई का जो इंटरव्यू दिया वो कहां से दिया, क्या आपने वो वेस्ट बंगाल से दिया क्या आपने दिल्ली से दिया? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है पर सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड दिख रहा है वो कई लोगों के अनुसार ऑफिशियल गवर्नमेंट बंगलों के साथ जो ऑफिस होता है कैबिन होता है उसका है, मुझे नहीं पता, शायद राजीव सरदेसाई तापा है, शायद महुआ मोहित्रा तापा है। अगर तो वो दिल्ली में है तो फिर बातें और भी गंभीर होती हैं, और अगर वो वेस्ट बंगाल में है तो कमेटी ने वैसे भी बोल दिया है 2 नवंबर का। तो पहली चीज तो ये कि 2 नवंबर को कमेटी के हिसाब से इनको पेश होना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जो ये सवाल पूछ रही हैं उस पे इंटरेस्टिंग बात एक निशिकांत दुबे ने बोला है कि सूचना के अनुसार दर्शन हीरानंदानी व दुबई दीदी सांसद संपर्क में है, गवाह को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है, लोकसभा स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे पता नहीं दुबई दीदी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है बट वो कह रहे हैं कि क्या जो विटनेस है उसके संपर्क में, और इनका तो कॉमन सर्कल भी है, और विटनेस पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और वो कह रहे हैं स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए कि गवाह को कोई प्रभावित ना कर पाए। मैं आपको एक कानूनन बात बता देता हूँ, क्रिमिनल केस में क्योंकि सीबीआई पे भी कंप्लेंट पेंडिंग है पर सीबीआई ने एफआईआर नहीं करी, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। क्रिमिनल केस में अगर आप ऐसे विटनेसेस को कॉन्टैक्ट करें या प्रभावित करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए एक नई दुविधा कर देता है, क्योंकि बेल लॉ के अंदर, मैं आपकी लीगल नॉलेज के बताता हूँ, बेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड ये होता है कि आप एविडेंस से टैम्पर नहीं करेंगे, सबूतों को छेड़छाड़ नहीं करेंगे और विटनेस को प्रभावित नहीं करेंगे। ये दो चीजें बेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने जितने भी बेल ऑर्डर्स देखे होंगे स्पेशली नेताओं के, उसमें आप पाएंगे कि ये ऑर्डर, ये जो प्रोविजंस के अंदर बेल के अंदर इस बात का मेंशन किया जाता है। तो क्या वो संपर्क में है क्या नहीं है ये तो जांच का विषय है, पर अभी क्रिमिनल केस तो शुरू भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात पे आ जाते हैं। तीसरी बात पे मैंने आपको बहुत बारी एक चीज कही थी और अब मैं महुआ मोहित्रा के आपको शब्द सुनाना चाहूंगा जिसमें मैंने कहा कि वो बहुत जवाब दे चुकी हैं पर एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये है, क्या लॉगिन शेयर किया गया था क्या लॉगिन शेयर नहीं किया गया था? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या जो पार्लियामेंट का लॉगिन था वो शेयर किया गया या नहीं किया गया? क्योंकि ये फैक्चुअल बात है, इसको आप घुमा नहीं सकते, इसमें आप गुमराह नहीं कर सकते। तो अब जरा महुआ मोहित्रा के कुछ शब्द सुन लीजिए और आप पाएंगे कैसे अपने शब्दों से, कैसे अपने इंटरव्यू से वो खुद ही इस बात में फंस गई हैं। अपने शब्दों में, किसी और के शब्द नहीं है, आप उनके शब्द सुन लीजिए। एक सेकंड, सवाल है, आपने अपना लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया, आप सुन पा रहे हैं? इसमें कर दीजिए, मैंने माइक में चला दिया है, थम्स अप कर देना अगर आप सुन पा रहे हो तो। मैं एक तो सुनिए, सवाल सुन लीजिए, राजदीप सरदेसाई का सीधा सीधा सवाल है, अच्छा सवाल है, कोई इसमें डाउट नहीं है, क्या आपने अपना लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया? From 2019 onwards, I have a remote constituency. From not only now, from 2019, I asked Darshan because I need some, when the NIC login is given to you, and I've shown this to you, all MPs, no MP puts their question themselves. I asked Darshan 2019 se, कोई एमपी अपने सवाल अपने आप नहीं डालता, तो 2019 से वो खुद मान रही है। आई आस्क्ड दर्शन, पूरा सुनते जाइए फिर मैं आपको इसको लीगली समराइज कर दूंगा जो मेरे हिसाब से ये बोल रही हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
the NIC login is being made out to be some great sort of, you know, secret that is can be used to access the RBI's vaults or can be used to access the budget before it is placed. Please understand, the NIC login only helps you get in to put in the questions. You are then sent an OTP on a mobile phone. Most MPs, please take a poll of all MPs. अब सुनिएगा, पहला 2019 से, दूसरा OTP आता है, इससे सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। अब बाकी MPs की बात कर रहे हैं, मैं चारों पॉइंटों को तोड़ के आपको समझाऊंगा। No MP puts in their own questions, their PAs, their interns, their LAMs, their TRS fellows type in the questions and source the questions and put in the questions. Most MPs do not even know what the questions are. No MP knows what the question are. मुझे जानना चाहूंगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको किस तरह ले रहे हैं कि उनको पता ही नहीं वो पार्लियामेंट में सवाल क्या पूछ रहे हैं। क्या चाइना के बिहाफ पे सवाल पूछ लेंगे या पाकिस्तान के हित में पूछ लेंगे? इसका तो मतलब यही हुआ, एमपी को तो पता ही नहीं। दूसरा, वो क्या कहती हैं कि कोई भी पीए पीआरएस अपने स्टाफ का इस तरह के व्यक्ति सवाल पूछते हैं, वही सवाल लेके भी आते हैं। थोड़ा दोबारा सुनिए इसकी गंभीरता को, आप समझिएगा अपने आप के लिए वो बाकी एमपीज पे क्या कह रही हैं। जरा सा आप एक मिनट सुनिएगा, फिर समझिएगा कितना खतरनाक आर्गुमेंट ले रही हैं वो। Questions and source the questions and put in the questions. Most MPs do not even know what the questions are. No MP has their login and password. All the login and password are with their teams. Number one, teams. The NIC login, there are no rules. Did you get Darshan Hiranandani to write the questions? सुनिए, अब मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं, उसके बाद एक क्लिप और सुनाऊंगा आपको। पहला, 2019 से क्या खेल चल रहा था? ये तो एलिगेशन भी नहीं थी, पर क्या ये 2019 से चल रहा था? तो बात तो बहुत गंभीर और हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, पीए के पास है, ओएसडी के पास है, जो रिसर्च इंटर्न्स होते हैं उनके पास है। मेरे आप पिछले वीडियोस देखिए, मैंने आपको कहा था ये बात, मेरे ऑफिस में अगर कोर्ट में कोई फाइलिंग होनी होती है, क्या हमारी कोर्ट की फाइलिंग कोई ऐसी सीक्रेट चीज नहीं है, ऑफिस करे, आपका क्लर्क करे, मुंशी कहते हैं मुंशी करे, आपके ऑफिस में कोई एसोसिएट करे, वो एक चीज होती है, है ना। इनका अगर ऑफिस करता है, वो ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट है एक एमपी का। हीरा नंदानी बिलियनियर इनका पीए था, इनके ऑफिस का हिस्सा था, इनका काम करता था, इनका एम्प्लॉई था। क्या था? क्या ये कैटेगरी सेम है? क्या ये कैटेगरी कहीं से भी सेम है? अगर बाकी एमपीज अपने स्टाफ को यूज करते हैं, और करना चाहिए, या अपने एसोसिएट्स को करते हैं, और हीरा नंदानी, ये कहां से सेम कैटेगरी हो जाती है? दूसरी चीज जो बहुत खतरनाक है कि एमपीज को पता ही नहीं होता वो सवाल क्या पूछ रहे हैं। भैया, 2005 में बिजनेस हाउसेस के फेवर करने के लिए, और स्टिंग ऑपरेशन था वो, बिजनेस हाउसेस को बदनाम नहीं करना चाहिए, बिजनेस हाउसेस की फेवर नहीं हो रही थी, एक पत्रकार ने स्टिंग किया, 11 एमपीज पार्लियामेंट से एक्सपेल हुए थे। अगर एमपीज को पता ही नहीं सवाल क्या है, फिर तो चाइना के हित में सवाल पूछेंगे ना लोग, पाकिस्तान के हित में, मिडल ईस्ट में किसी देश के हित में, कुछ भी पूछ लो और ऑफिशियली रिकॉर्ड पे चढ़वा लो। और आपको पता है ना, पार्लियामेंट में जो फिगर्स या फैक्ट्स या जो जवाब आता है वो ऑफिशियल है, 10 जगहों पे यूज हो सकता है, इंटरनेशनल फोरम्स पे यूज हो सकता है, कहीं पर भी यूज हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आप कोर्ट के अंदर फाइलिंग्स कर सकते हैं कि ये जवाब है, ये ऑथराइज्ड जवाब है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब सारे एमपीज को लपेट दिया इसमें। मुझे तो लगता है एमपीज इस पे कड़ा रुख लेंगे, बाकी सारों को तो पता ही नहीं क्या हो रहा था, पर आप ये खुद ही कह रही है। तो मतलब अगर इनके कॉन्टेक्स्ट में आऊं तो ये मान रही हैं कि इनको सवाल भी नहीं पता था क्या पूछे जा रहे हैं। आपको भी घर में सिखाया होगा, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट पूरा पढ़िए, पार्लियामेंट में सवाल पूछ रहे हैं और आपको पता नहीं। आगे सुनिए। To you, there are no rules.
Darshan Hiranandani to write questions for you? Excuse me. No, no. Did you get Darshan Hiranandani to write questions for you? No question I have given. Rajdeep, why are you repeating the same question thrice? There is a time lag. Please let me answer. Please don't behave like one of those anchors that go like this and they think, we've got Mahua Moitra under a scanner. Jawab nahi aa raha. Right? Please wait for the time lag and wait me to answer. Do not repeat a question three times. The most important thing is, in 2019, after I became an MP, I have given 61 questions. The national average of questions by any MP is 191. Jawab. The average for my state of West Bengal is 129. I told Darshan, when the question comes, please give me some assistant in your office. Just before every session, we get to get, they ask you to please put in your question. I asked Darshan, आप एनडीटीवी की हेडलाइन देख लीजिए, महुआ मोइत्रा गेव बिजनेसमैन दर्शन हिंदानी माय पार्लियामेंट्री लॉगिन. सीधी सीधी बात आप खुद ही मान गए. और मेरी पिछली आप वीडियोस देख लीजिए, मैंने कंसिस्टेंट स्टैंड लिया हुआ है. ऑफिस करता है अलग बात होती है, आपको कोई बिजनेसमैन करता है जो ऑफिस का हिस्सा नहीं, बहुत अलग बात होती है. मैं तो यहाँ पे जो बाकी एमपीज का बात किया उसमें तो नेशनल सिक्योरिटी का इम्पैक्ट आ गया कि क्या आप भैया पता ही नहीं सवाल क्या पूछ रहे थे, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप. और क्या ये सीक्रेसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पे निशिकांत दुबे का एक ट्वीट आया है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. वो कहते हैं इस कागज को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर ज्ञाता अर्थशास्त्री सरकार के विरोधी सांसद जिसने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा गिरवी रख दी, इंडिया टुडे और सरदेसाई को दिए साक्षात्कार को झूठ के देखिए. क्या है ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जो लॉगिन मिला क्या वो सार्वजनिक करके बांटते फिरो लोगों में? तो आप पढ़ लीजिए जो वो ट्वीट कर रहे हैं. पॉइंट वन और पॉइंट टू, यूजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप द गिवन यूजर आईडी एंड पासवर्ड अ सीक्रेट. Please change your password at least once in every 3 months. Email terms and conditions. साफ कहा जा रहा है इसको सीक्रेट रखिए और हर 3 महीने में सिक्योरिटी के लिए इसको चेंज कीजिए. ये तो आपकी टर्म्स है, ये साफ साफ टर्म्स है. तो नेट अब क्या हुआ है, नेट ये हुआ है कि आपका जो स्टाफ है, ओएसडी है, पीए है, पीआरएस है, कुछ भी है, वो आपके स्टाफ का हिस्सा होता है, वो आपके ऑफिस की एक्सटेंशन होता है. कोई बिजनेसमैन जो देश के बाहर बैठा है या देश में भी बैठा है, वो आपका स्टाफ नहीं है, वो कवर्ड कैटेगरी में मेरे अनुसार नहीं आता है. दूसरी बात, आप अपने आप ही कह रही हैं आपने लॉगिन दिया, तो वो तो बहस खत्म हो गई अब कि ये एलिगेशन सच्ची है झूठी है, मैंने लॉगिन नहीं दिया, वो बहस तो खत्म हो गई. शायद इसलिए भी क्योंकि वैसे भी आईटी प्रूव कर देता कि कहां से लॉगिन हुआ है कहां से नहीं हुआ है. अब आ जाती है तीसरी बात, क्या गिफ्ट्स आए, क्या स्कार्फ्स आया, क्या कैश आया, उस पे हाँ बहस है. ये कहती है कि नहीं आया और मैं कुछ प्री जज नहीं करना चाहता, ये कहती है नहीं आया. हीरानंदानी ने एक एफिडेविट दे के सारी बातें एफिडेविट पे लिखी हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करी है, तो वो कहते हैं आता है. कंप्लेनेंट कहता है आता है. इसी बात का फैसला पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी 2 नवंबर को, और सीबीआई तो जरूर ही करेगी, उनकी तो जिम्मेवारी है करना. और होम मिनिस्ट्री को भी जो जो कॉपरेशन करनी है एथिक्स कमेटी ने लिख दिया है, होम मिनिस्ट्री को भी करनी पड़ेगी. तो नेट ये सरदेसाई का इंटरव्यू मेरे ख्याल से तो बूमरैंग कर गया है, उल्टा पड़ गया है. और जो कंप्लेनेंट है उनका भी ट्वीट डाल देता हूं क्योंकि उन्होंने भी जो कहा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा जरूरी है. विंडिकेटेड, थैंक यू सरदेसाई फॉर मेकिंग इट क्रिस्टल क्लियर व्हाई माय किडनैप्ड डॉग हेंग्री वाज बीइंग ऑफर्ड टू मी इन एक्सचेंज ऑफ टेकिंग बैक माय सीबीआई कंप्लेंट. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन क्विड प्रो क्वो बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ. आप जैसे देख ही सकते हैं, उनको लग रहा है कि जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें उनकी बात सच साबित हो गई है, वो विंडिकेट हो गए हैं. निशिकांत दुबे उसमें से डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि सीक्रेट रखना था. आगे जो उनका जवाब है उन्हें दीजिए, उसको डिस्कस करेंगे. पर ये इंटरव्यू तो मेरे ख्याल से फायदा देने की जगह नुकसान ज्यादा दे गया है. आगे जो होगा 2 नवंबर को वो डिस्कस करेंगे. भारत माता की जय.